अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने आपको 1.4 एक्सरसाइज समझाई थी, आई गेस कि आपको समझ में आई होगी। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 1.5 जो मैंने पहले से ही बोर्ड पे उतार के रखी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। पहला सवाल हमारे पास है, राइट द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस। देखिए, हमें जो सवाल दिया हुआ है इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्टली सवाल सोल्व कर रहा हूं मैं। ये वो वाला जो है ना, बेसिकली फार्मूले के तौर पे आपको बताया हुआ है, आपने इसको फार्मूले के तौर पे यूज कर लिया। यानी आपने इस सवाल को इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर ये जो वन है इसको मैं कहूंगा ये आपका जो रियल नंबर है वो वन है, यानी ए की वैल्यू वन है। और जो ये बी है, बी आपका है टू। तो जो आयोटा है वो बी के साथ है, तो आयोटा यहाँ पे टू के साथ आएगा। तो इसका आंसर होगा आपके पास वन, ए की जगह वन। अच्छा, जहां पर कॉमा है वहां पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर वेरिएबल से पहले आयोटा होता है लेकिन नंबर के बाद हम आयोटा लिखते हैं। जस्ट हमने क्या किया, सिंपली हमने इस सवाल को इस फॉर्म में लिख दिया। जब आपको एक सवाल समझ में आ गया फिर तो आपने ये सवाल फौरी कर लेने हैं। जैसे कि ये सवाल है आपके पास टू, इसमें जस्ट आपने क्या करना है, टू लिखना है। टू प्लस, देखिए टू कौन है, ए का काम कर रहा है। प्लस कहाँ से आया, जो आपने फॉर्म बनानी है प्लस आपने वहां से उठाया, कॉमा की जगह प्लस आ गया, फिर आपके पास है टू है और टू के साथ आ गया आयोटा। ये आपने उस फॉर्म में लिख दिया। इस सवाल को भी आपने, ये 0.4 है तो 0.4 आयोटा, कॉमा की जगह तो हमने प्लस लगाना है। ये आपका सवाल इसमें हो गया। ओके, यहां पर आपके पास सवाल है ये, इसको भी आपने इस फॉर्म में लिखना है। आयोटा बी आपका इमेजिनरी नंबर होता है, ये आपका रियल नंबर है। आपने लिखा -1, कॉमा की जगह आ जाएगा प्लस और 1 के साथ आएगा आयोटा। ये आपका इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये आपका अगला सवाल है, -2, 0। तो यहां पर आप करेंगे -2 + 0 आयोटा। वो अलग बात है कि जीरो के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, बट हमें शो करवाना है इस फॉर्म में। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है -3.4, तो आएगा -3 + 4 आयोटा। तो हमने तमाम क्वेश्चंस को इस फॉर्म में, जो हमें क्वेश्चंस में फॉर्म दी हुई थी, हमने तमाम क्वेश्चन को इस फॉर्म में कर दिया। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी नंबर पार्ट फॉर द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो आपको नंबर दिए हुए ना, मैंने एक से लेके चौथा नहीं लिखा, पांचों सवाल लिख दिया। बाकी की दो सवाल इंशाल्लाह आप लोग खुद करेंगे। आपने जैसे इसमें ये बताना है कि भाई इन दोनों में कौन रियल नंबर है और कौन इमेजिनरी नंबर है। जैसे मैंने आपको ऊपर सवाल में बताया, जिसके साथ आयोटा होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, और विदाउट आयोटा आपका रियल नंबर कहलाएगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिखना है 1, क्यों, जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी 2। आई लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये बताना है इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो इमेजिनरी नंबर है 2। यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी नंबर कौन है, यहाँ पर है 4, 4 के साथ आयोटा नहीं है, और यहाँ पर 9 के साथ आयोटा है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जरा आपको पहचानना मुश्किल होगा कि कौन रियल है और कौन इमेजिनरी है। तो ऐसे सवाल में हमें पहले इस फॉर्म से हेल्प लेनी पड़ेगी। हम इस सवाल को उस फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हमारी वैल्यू है ए की और ये हमारी वैल्यू है बी की। तो हमने यहाँ पे पुट किया ए की जगह -5 और ए के बाद ये प्लस, यहाँ देखिएगा ए के बाद प्लस है तो यहाँ प्लस पुट किया, और 6 है तो 6 के बाद आयोटा, यानी नंबर के बाद आयोटा आता है। बी के साथ आयोटा था तो बी हमने 6 को कहा है तो 6 के साथ आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे जानना आसान है, -5 आपका रियल नंबर है और 6 आपका इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, 4 छोड़ दिया आपके लिए, 5 करवा रहा हूँ, और इसके बाद अगर सवाल है तो वो आप खुद करेंगे। यहाँ पर देखें, माइनस का 4/5 के साथ आई है और -3/4 के साथ आई नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास 3/4 रियल नंबर कहलाएगा और -4/5 आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा इसमें कुछ समझने का तो है नहीं, इस वजह से मैंने इसको कोशिश की कि मैं जल्दी से कवर कर दूं। अब मैं इसी तरह जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करता हूं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है, जिसमें हमने
फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मालूम करना है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारे आपके पास हैं। अब कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, और अगर यहाँ कॉन्जुगेट समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में आपकी वो हेल्प करेगा। तो मैं आपको सिखाता हूँ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा। लेट मीन्स फर्स्ट करें कि आप एक वेरिएबल के बराबर इसे असाइन कर रहे हैं। असाइन मैं बोलूँ तो आप कह रहे हैं कि जेड बराबर है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सवाल में दिया हुआ है। ठीक हो गया जी, आपने कहा सर ये बराबर है जेड के, आपने लेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट। एक सवाल को सही से कर लेते हैं, बाकी फिर हम डायरेक्ट कर देंगे। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ओके, अब यहां पर कॉन्जुगेट लेने के लिए हम बार का इस्तेमाल करते हैं। बार मैं कहूं तो शायद आपको ये जेड नजर ना आ रहा हो, मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ। ये देखें, जेड के ऊपर मैंने लगा दी बार और यहां पर मैंने इधर भी लगा दी बार। ये होता है कॉन्जुगेट लेने का तरीका। इसका आंसर मैं आगे लिखूंगा, नीचे मैंने एक और सवाल लिखा हुआ है। मैंने टेकिंग कॉन्जुगेट किया क्योंकि मुझे कॉन्जुगेट लेना था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मैंने दोनों के ऊपर बार लगा दी। बार लगाने के बाद जो मेरा जेड है उसके ऊपर बार मैं रहने दूंगा क्योंकि मैंने कॉन्जुगेट मालूम करना, मैंने असाइन किया है कि ये मेरा जेड के बराबर है, और जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर से बार मैं हटा दूंगा। अब मैंने बीच में साइन नहीं लगाया, यहाँ पर साइन था प्लस का, सर मैं यहाँ लगा रहा हूँ माइनस का साइन। ओके, माइनस का साइन आपका कॉन्जुगेट प्लस को रिप्लेस करेगा। आप जब कॉन्जुगेट लेते हैं किसी नंबर का तो वो जो इमेजनरी आयोटा के साथ जो साइन होता है नंबर के साथ वो आपका चेंज होके माइनस का हो जाता है। ये आपके पास कॉन्जुगेट लेने का तरीका है। अब यहाँ पर जब मैंने ये सीख लिया है, और ये क्वेश्चंस तो एमसीक्यूज में ही आपसे पूछे जाएंगे ना, तो आपने जब सीख लिया है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आप जैसे हमें दिया हुआ कोमा। अच्छा, इस सवाल में क्या मसला है बच्चों, इस सवाल में मसला ये है कि हमें आयोटा नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हमने इसे इस फॉर्म में लिखना है जो हमारी ये फॉर्म थी क्वेश्चन नंबर 1 में। इस सवाल को इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 0 प्लस, कोमा की जगह प्लस हो गया। अच्छा, ये माइनस का 7 है, तो आपने क्या करा, आपने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। समझ आ रही है आपको, ये प्लस कहाँ से आया, ये प्लस आया इस फॉर्म से, इसको आप फॉर्मूला कह रहे हैं। इस फॉर्मूले से आपका ये प्लस आया और आपका बी जो था वो माइनस का था, उसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया। उसकी वजह ये कि आप प्लस और माइनस साइन को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और साथ में आपने लगा दिया आयोटा। ये आपके पास जो है आपका सवाल इमेजनरी और रियल फॉर्म में आ चुका है। अब आपने कॉन्जुगेट लेना है, उससे पहले आप ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। मैं इसको इसके आगे सोल्व करता हूँ, 0 प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा, जब आप मालूम करेंगे तो यही आएगा। सिर्फ हमने प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट को ओपन करवाया है। यहाँ पर लेट यूज कर लें आप, लेट जेड बराबर है 0 माइनस 7 आयोटा के। यहाँ पर फिर आप वही टेकिंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये नज़र आ रहा होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिस्टेंस दे के सवाल को सॉल्व करेंगे। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे हमने कॉन्जुगेट लेना है। इसका मतलब जो आपके सवाल है उसके ऊपर आपने एक बार लगानी है ऐसे, और इस सवाल के ऊपर भी आपने एक बार लगानी है ऐसे। ये कॉन्जुगेट लेने का तरीका है। अच्छा, आगे इसका आंसर लिखने के लिए जेड के ऊपर बार रहने दें, ताकि आप देखने वाले को ये शो करवा सकेंगे भाई इसने कॉन्जुगेट लिया हुआ है ना भाई। अगर मैं जस्ट आंसर लिख दूं तो देखने वाले को, चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कॉन्जुगेट निकाला है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल को असाइन करवा के बताएंगे कि देखें वेरिएबल के ऊपर कॉन्जुगेट है, इसका मतलब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाला है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर माइनस है ना 7 आयोटा के साथ, आयोटा के साथ जो साइन है उसे हम प्लस कर देंगे और हम कॉन्जुगेट को हटा देंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पर ये आंसर हमें ये बता रहा है कि आपने कॉन्जुगेट लिया हुआ। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मैं कह रहा था कि हम डायरेक्ट कर लेंगे, मैंने दो सवाल आपको समझा दिए, आपने इसी तरीके से करने हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। वैसे आने वाला नहीं है, एमसीक्यूज में ही आपसे पूछा जाएगा इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो यहाँ पर भी मसला है कि यहाँ पर हमारे पास जैसे 7 के साथ आयोटा नहीं था, यहाँ पर भी आयोटा नहीं है। पहले आप इसको आयोटा की फॉर्म में करें, देखें। अब मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया,
देखें डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जीरो के साथ आयोटा लगा दिया भाई, देखें ना कॉमा की जगह प्लस आ गया और जीरो की जगह इमेजनरी आ गया, ये बी है ये ए है, ये आपने फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट। अब यहाँ पे आप करेंगे लेट, अच्छा मैं बाद में लूंगा लेट के, लेट माने फर्ज करें, लेट माने फर्ज करें कि ये वेरिएबल जो जेड है ये बराबर है इसके माइनस वन प्लस जीरो आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने कॉन्जुगेट लगाना है, कॉन्जुगेट लगाना भी आपको आ गया इस तरीके से। फिर अपने आंसर में आपने जेड के ऊपर से कॉन्जुगेट नहीं हटाना और इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, जो कि आपके पास प्लस के साइन को जो इमेजिनरी के साथ है उसे माइनस करेगा और आपको आंसर बता देगा। यहां तक गाइस आप लोगों को क्लियर है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सवाल है, इसमें इमेजिनरी भी दिया हुआ है, रियल नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्जुगेट मालूम करना है। मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, लेट जेड इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा, ये तो हमने असाइन कर दिया। उसके बाद मैं यहां लिखता हूं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, मैं आप कॉन्जुगेट लगा देता हूं जेड के ऊपर भी और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी, ये मैंने बार लगाई, इसका मतलब ये है कि कॉन्जुगेट आप ले रहे हैं। आंसर में आपने इसके ऊपर जो वेरिएबल असाइन किया है इसके ऊपर से कॉन्जुगेट नहीं हटाना और यहाँ पर इमेजनरी वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे, इट्स मीन दैट कि आपने कॉन्जुगेट ले लिया। यहाँ पर इस सवाल की बात करते हैं हम, मुझे बिल्कुल स्पीड से बोलना पड़ेगा और स्पीड से करवाना पड़ेगा ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो छोटी रहे। तो सबसे पहले आपने करना है लेट जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री फोर प्लस माइनस फोर फाइव आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। यहां पर आपने लेना है कॉन्जुगेट, जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको यहां पे z के ऊपर बार लगाना पड़ेगा और यहां पर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां बार लगाना पड़ेगा, यहां बार लगाया तो यहां पे लगाएंगे। आंसर में अगर मैं चले यही शो करने की कोशिश करता हूं, आंसर में z के ऊपर से बार नहीं हटेगा और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इमेजिनरी नंबर के साथ का साइन है वो आप माइनस कर देंगे, मींस चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे और आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर फोर नहीं मैंने करवाया और इसमें फोर करवाया है, फाइव भी है, क्या नहीं करवाया इसमें मैंने, सिक्स मैंने सारे पार्ट इसमें करवाए, अच्छा इसमें सारे पार्ट मैंने करवाए हैं, ये सिक्स क्वेश्चन है, चलिए सिक्स करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है हमने करना है लेट, ओके, और लेट करना है हमने वेरिएबल कि ये बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है जेड के, होशियारी से काम करना पड़ेगा, इस मरतबा आयोटा पहले आ गया है और रियल नंबर बाद में चला गया है, ठीक है, होशियारी से काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने कॉन्जुगेट ले लेना है गाइस और यहाँ पर आपने इस तरीके से शो करवाना है कि दोनों के ऊपर आपने बार लगा देनी। अब आंसर शो करवाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका इमेजिनरी नंबर कहाँ पर है, आयोटा, आयोटा जो है वो पहला नंबर है, तो यहाँ पर, यहाँ नहीं, आप थ्री से पहले लगाएंगे माइनस प्लस वन। इस आंसर को मैच भी करेंगे हम आपके साथ ताकि आपको पता चले कि हम आंसर ठीक निकाल रहे हैं या गलत निकाल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 1.5 एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर हमारा है थ्री और थ्री क्वेश्चन में पार्ट सिक्स है। अगर मैं दिखा सकूं कि ये आपके पास सवाल है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये आंसर है हमारी आंसर की में बुक की, तो ये आपने सवाल किया है सही। जल्दी से मूव ऑन होते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मौजूद है फोर और फोर में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कॉन्जुगेट लेना सीख जाते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर फोर में और फाइव में।
और अब आप ये सीख चुके हैं, और अब देखिए कमाल क्या होगा। आपने वेरीफाई करना है कि जो Z के ऊपर ये डबल बार है, इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है, दो बार कॉन्जुगेट लिया हुआ है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार कॉन्जुगेट लें तब भी उसका आंसर जो है Z के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेट करना होगा। लेट मीन्स फर्स्ट करें, आप जो है एक Z एक वेरिएबल है जिसे आप असाइन कर रहे हैं कि वो बराबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो आपका सवाल है, सवाल आपके पास है 4, 7 + 9, 10 iota। यहां तक आपको बात समझ में आई? इस सवाल को आपने असाइन किया लेट करके कि Z के बराबर ही है। उसके बाद आप करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों साइड पे कॉन्जुगेट लेना है। देखें ये स्टेप वन है, फिर ये स्टेप एक हेडिंग डाल के उसके नीचे स्टेप है। मुझे जगह मेरे पास कम होने की वजह से मैं ये आगे कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, समझदार है माशाल्लाह आप। वैसे यहाँ पर आपने ले लिया बार, ओके, और अगर आपने वेरिएबल के ऊपर लिया है Z के ऊपर, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी बार लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट जो निकाल रहे हैं आप, निकालना ही आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, आपने ले लिया बार। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये काम आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है इसलिए आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, ये आपने कॉन्जुगेट निकाला 4, 7, ये आयोटा के साथ वाला साइन आपने माइनस कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया आपने। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है आपको, ये फर्स्ट कॉन्जुगेट ले लिया, लेकिन हमारे पास दो कॉन्जुगेट हैं। तो यहाँ पर आप दोबारा हेडिंग डालेंगे कि टेकिंग, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब मैं आपको कैसे यहाँ शो करवा देता हूँ हेडिंग, पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद आपने कॉन्जुगेट ले लिया, उसके बाद आपने आंसर निकाल लिया, देन उसके बाद एक और आपने हेडिंग डाल दी, अगेन अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बाद में हम रिमूव कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, अगेन दोबारा से कॉन्जुगेट ले रहे हैं, किसका, जिसका कॉन्जुगेट लिया हुआ है उसके ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो यहां पर हम इसके ऊपर पहले से कॉन्जुगेट था, एक कॉन्जुगेट हमने ऊपर से और ले लिया, यहां पर हम कॉन्जुगेट निकाल चुके हैं, अब दोबारा इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेना है, ये आपने दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। अब आपने इसका आंसर लिखना है, आंसर में ये प्रूफ करना है कि ये बराबर आना चाहिए, इसका आंसर बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के आंसर से। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाए एक मरतबा, फिर आप अपने हिसाब से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, कॉन्जुगेट ले लिया, यहाँ पे आपको पता है कि जो आयोटा के साथ साइन है, जैसे कि ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ओके, और यहाँ पर आपके पास आएगा 9, 10 iota, ये आपके पास आंसर है। तो मुझे रिमूव तो करना पड़ेगा, खैर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें आपने क्या प्रूफ किया कि जो Z के ऊपर डबल बार है कॉन्जुगेट, वो बराबर है Z के, कैसे, ये जो आपने लेट किया था, एक Z को असाइन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर देख लें और अपना आंसर देख लें, दोनों ही सेम है, ओके। कॉन्जुगेट लेने से पहले जो आंसर था, जो Z की वैल्यू हमने असाइन की थी, और जो Z का डबल बार डबल कॉन्जुगेट निकाल के जो आंसर आया है, वो दोनों सेम है। तो ये आपका जो है ना आंसर है। अब यहाँ पर एक सवाल पे हमने मेहनत की, हमने इसको एक एक टू द पॉइंट समझने की कोशिश की। अब यहाँ पर हम थोड़ा जंप कर सकते हैं, हम जंप से मुराद ये है कि हम टेकिंग अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। आपने हर क्वेश्चन में आपने प्रॉपर नोट बनाना है नोटबुक के अंदर, स्कूल के हैं या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एमसीक्यूज में इसको सॉल्व करना होगा या मे बी ये सेक्शन बी में क्वेश्चन आ जाए। चले हम इसको करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट, यहाँ से मैं इसको इरेज करूँगा ताकि यहाँ से थोड़े ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए क्लियर हो जाए।
ओके ये मैंने अरेज कर दिया। चलें अब बारी है इसकी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाए। ये मेरा सवाल है, ये सवाल है मेरे पास, ठीक है ओके। यहां पर करना ये है कि सबसे पहले आपने करना है लेट लेट z इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 11 प्लस 10 डिवाइड बाय 9 आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। z के ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया, देखिए जगह मिल गई, मैं कैसे स्पीड से भाग रहा हूं। z पे कॉन्जुगेट ले लिया तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी कॉन्जुगेट लेना है। ओके अब यहां मुझे परेशानी होगी इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूं। कॉन्जुगेट लेने का लेने के बाद मैं उसका कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चेंजिंग आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंजिंग ये आएगी कि जो आयोटा के साथ प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और आपके पास आएगा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास कॉन्जुगेट आया है इसके ऊपर अगेन कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, और आंसर मेरे पास जो आया है, आंसर तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरे पास बना है कॉन्जुगेट लेने के बाद वो बना है ये, इसके ऊपर मैं दोबारा ले लूँगा कॉन्जुगेट। अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। जब मैंने डबल कॉन्जुगेट निकाला तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा वही हो गया जो मेरा जेड मैंने असाइन किया था स्टार्टिंग में। अभी मैं आपको बताता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं। ये जो माइनस का साइन है यहां पर कॉन्जुगेट लेने के बाद, जब आप कॉन्जुगेट ले लेंगे ये माइनस आयोटा वाला हो जाएगा प्लस। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आप लास्ट में लिखेंगे जी, आपने वेरीफाइड करा दी, वेरीफाई लिखेंगे, वेरी वेरीफाई अपने आंसर में लिखेंगे। ठीक है, आपने क्या वेरीफाई करवाया कि जो जेड का डबल कॉन्जुगेट है वो बराबर है जेड के। कैसे, अभी आपने जो असाइन किया था, जो वैल्यू आपने जेड की असाइन की थी वही वैल्यू डबल कॉन्जुगेट निकालने के बाद आ रही है। देखिए ये सेम आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब आपने वेरीफाई कर दिया कि ये आपके पास बिल्कुल सेम वैल्यूज आ रही है जो कॉन्जुगेट लेने से पहले थी और जो कॉन्जुगेट लेने के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि मैं ये सब रेज कर देता हूँ, वन बाय वन एक ही क्वेश्चन करता हूँ, ये अच्छा रहेगा ज्यादा। ओके ये आपके पास आ गया सवाल, 1/2 - 3 आयोटा। आप करेंगे जी लेट, सबसे पहले आपने लेट करना है। अच्छा एक और तरीका सिखा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसे बोलते हैं वैसे सिखा देता हूँ कि आपने सबसे पहले असाइन किया कि ये आपके पास वेरिएबल के बराबर है जेड के बराबर, ये आपने असाइन कर दिया इसको आपने। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही, यहाँ नहीं होगा, आपने लिया टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, आपने बोथ साइड कॉन्जुगेट लिया, इधर भी कॉन्जुगेट लिया आपने, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट लिया, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया आपने। ठीक है जी, अब कॉन्जुगेट लेकर आप कौन सी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। यहाँ आप रहने देंगे और यहाँ पे 1/2 के साइन पे कोई फर्क नहीं आएगा, और यहाँ ये माइनस हो जाएगा प्लस कॉन्जुगेट लेने के बाद। अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, दोबारा से आप ले रहे हैं बोथ साइड, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, अगेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड के ऊपर जो कॉन्जुगेट था उसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट आ गया, और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट लेने के बाद बना था आपने उसके ऊपर भी एक और कॉन्जुगेट लगा दिया। अब जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इस कॉन्जुगेट को भी हटा देंगे, लेकिन आपके पास क्या फर्क आएगा, जो आयोटा का प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि जो जेड का डबल कॉन्जुगेट है वो आंसर जो है बराबर आएगा जेड के। ये जो आंसर है और ये जो आंसर है देखिए दोनों सेम है, ठीक है, आप ब्रैकेट का फर्क है ना, ये ले ब्रैकेट लगा लें, दोनों सेम है, इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये आपका आंसर सेम आ गया। हमारे पास जो है हम 3 सवाल कर चुके हैं, ये हमारा सवाल है नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे स्पेस बना लिया है तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपने वेरिएबल असाइन करना है जेड के बराबर, आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देना है, उसके बाद आपने लिखना है टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड,
आपने कॉन्जुगेट लिया दोनों साइड के ऊपर। कॉन्जुगेट लेने का मतलब आपने बार लगा दी, ओके। उसके बाद आपने जब कॉन्जुगेट लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो वहां पर क्या फर्क आएगा, प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। ये जो आयोटा वाला नंबर है इसका साइन चेंज हो रहा है, टू का साइन चेंज नहीं हो रहा। अगेन टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर में चला गया मैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो जो आपने कॉन्जुगेट पहले लिया हुआ है, ठीक है, जो पहले कॉन्जुगेट आपने लिया हुआ है उसके ऊपर आपने दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी आपने कॉन्जुगेट ले लिया। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आपने लिखा है जो पहला कॉन्जुगेट लेने के बाद आ गया। ऐसा ना कीजिएगा कि आप यहाँ से उठा के दोबारा ले लें, तो वो नहीं होगा सही। तो जब आपने इसका आंसर निकालना है तो टू रियल नंबर है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, और थ्री इमेजिनरी नंबर है, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ गया। अब फाइनली हुआ क्या कि जो आपके पास जेड का डबल बार है, कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट बराबर आ गया जेड की वैल्यू में। कैसे, यहाँ पर देखें जेड की वैल्यू क्या है, टू प्लस थ्री आयोटा, और यहाँ पर डबल कॉन्जुगेट जेड की वैल्यू क्या है, टू प्लस थ्री आयोटा। तो ये आपके पास हो गया वेरीफाई, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल मैं इसको रेज करूँगा जल्दी से आप लोगों को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ये दो मिनट में ये रेज हो गया, दो मिनट नहीं लगे होंगे, ये मेरा सवाल हो गया। अब मेरा सवाल है पांचवा, फाइव माइनस टू थ्री माइनस टेन नाइन, ठीक है। बुक का आंसर मैच कर लीजिएगा, मैं तो आंसर नहीं देख रहा बुक का, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमने सीखा है हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो हमारा आंसर इंशाल्लाह गलत नहीं हो सकता। हमने एक वेरिएबल असाइन किया जेड के, वो बराबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, जेड के ऊपर बार आ गया और यहां पर भी आपने बार ले लिया, आपने बार को हटाया कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर से, तो क्या तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली ये आनी चाहिए, आयोटा का जो साइन है नंबर का, आयोटा का जो साइन है नंबर का, ये तो पूरी वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई होगा देन जाके पता चलेगा ना, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, वही गलत कहानी है। लेकिन इस वक्त आयोटा का साइन है ये, मैं आपको आंसर भी मैच करवाऊंगा, अगर आंसर ये ना हुआ जो मैं कर रहा हूँ फिर मैं आपको ऐसे भी करवा दूंगा, बट इंशाल्लाह आंसर यही होने वाला है कि मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ। ये स्टेप है, यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। ये आपने जब कॉन्जुगेट लिया है तो ये जो थ्री है आयोटा के साथ वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये करना है कि अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ओके। एक कॉन्जुगेट लिया हुआ था आपने, उसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट ले लिया, तो आपको यहां भी लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट, यहां भी आपने अगेन कॉन्जुगेट ले लिया और आपने इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। आंसर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो दोनों की बराबर आ रही है, इसलिए हमें आंसर होगा भी नहीं किताब में इसका। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या प्रूफ करने वाले जो सवालात होते हैं उसके आंसर नहीं दिए होते, उसका आपको कैसे पता चलता है कि भाई आपने वेरीफाई कर तो दिया कि जो आपके पास जेड का डबल कॉन्जुगेट आ रहा है उसकी वैल्यू और जेड की वैल्यू दोनों सेम है, माइनस टू माइनस माइनस टू माइनस, हाँ थ्री नहीं लिख रहा ना मैं, थ्री मिस कर गया यहाँ से मैं, ये मिस कर दिया मैंने, लिखना भूल गया, हटाया नहीं है, कहीं नहीं गया ये थ्री यहीं पर है, मैं लिखना भूल गया था। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया, ये आपका आंसर है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, कोई बात नहीं करेंगे आपसे, बाद में कर लेंगे बाद में, अभी हम जो है आपका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में हमने दिया हुआ है फोर एक्स, फोर एक्स है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल फोर एक्स है, फोर एक्स प्लस थ्री आयोटा वाई, सही है। लेट कीजिएगा कि ये बराबर है जेड के, जेड के बराबर है, और आपने ले लिया टेकिंग कॉन्जुगेट
ऑन बोथ साइड, जेड के ऊपर कॉन्जुगेट आया तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना कॉन्जुगेट, दोनों साइड पे हम बात कर रहे हैं दोनों साइड पे आएगा, शाबाश। यहां पर प्लस का साइन क्या हो जाएगा, अरे वाह, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, माइनस हो जाएगा। अब यहां पर अगेन अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो एक कॉन्जुगेट जो लिया हुआ उसके ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट आप ले लेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बेसिक है बिल्कुल। तो यहां पर जब आपने डबल कॉन्जुगेट का आंसर निकाला तो ये माइनस प्लस हो गया दोबारा से, तो ये वो आंसर बन गया, यानी जेड का डबल कॉन्जुगेट बराबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जेड ने, जेड को असाइन करके हमने नंबर दिया था। आप यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई, आपने ये वेरीफाई कर लिया, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। तो आपने मुझे बताना जरूर है समझ में आया या नहीं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, ये आपके पास तमाम क्वेश्चन है, वन बाय वन इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस का 5 + 5 आयोटा। इंतहाई आसान सवाल है, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। भाई आपने क्या करना है, आपने रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वेट करना है, आपने लिखना है कि जो एक्स है वो बराबर है माइनस 5 के, ठीक है, और इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ इक्वेट करना है, कॉमा लगा सकते हैं आप, आपने कॉमा लगा के यहाँ लिखना है भाई जो वाई आयोटा, आयोटा ना भी लिखो तो चलेगा क्योंकि आयोटा से आयोटा वहां पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो आपके पास जो वाई की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स कॉमा वाई लिख कर और एक्स की जो वैल्यू आई थी माइनस का 5 और वाई की वैल्यू आई थी 5 इस तरीके से असाइन कर देना है। हाँ ना, आसान सवाल, मैंने कहा था आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, रियल नंबर, रियल नंबर के बराबर जिसके साथ आयोटा नहीं है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जिनके साथ आयोटा है वो आपस में बराबर हो जाएगा, ये ज्यादा आसान था आप लोगों के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9 + 25 आयोटा। क्या ये ब्रैकेट है? बिल्कुल भी ब्रैकेट नहीं है ये क्वेश्चन, अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो सवाल को किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल ब्रैकेट नहीं है। अच्छा, करना क्या है, वही काम हमने आपसे कहा, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपस में बराबर है, जिसके साथ आयोटा है मीन्स जो इमेजनरी नंबर है वो इमेजनरी के बराबर है और रियल नंबर रियल नंबर के बराबर है। अब तो इमेजनरी और रियल तो क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को। अब यहां पर आपने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 and 9 कॉमा आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 925 आयोटा। सबसे पहले तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ओके। यहां पर आपको क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना होगा। अरे हाँ भाई, टेकिंग रूल ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, सोच लिया था आप लोगों ने, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही कि आप लोगों ने सोच लिया था कि सर जो है वो टेकिंग रूल ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसके ऊपर रूट लगाएंगे, अप्लाई करेंगे रूट, दोनों साइड पर अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट बेसिकली कैंसिल होगा, आपके पास एक्स सिंपल आ जाएगा। अच्छा, दो तरीके हैं आपको, मुझे नहीं पता कि आपको ये डायरेक्टली स्क्वायर्स याद है या नहीं, आप एलसीएम ले सकते हैं, नंबर 1 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 4 16 4 1 4, और आप कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट जो है, ये देखिए 2 आ रहे हैं ना, 2, ये 2 क्या होगा 4 square, ये क्या होगा 3 square। नहीं तो फिर आपको क्या किया जाता है, 9th class में एटलीस्ट आप लोगों को 15th तक स्क्वायर पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो मुझे तो याद है। अब आपको तरीके बता दिए, या तो आप एलसीएम कर लें या तो आप जो है कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 3। अब यहाँ पे एक और बात है जो आपने समझनी है, जब हम रूट से वैल्यू का निकालते हैं, रूट से वैल्यू बाहर आती है तो वो प्लस और माइनस दोनों की होती है। अब ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ हम कॉमा बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, कॉमा हम सेपरेट करते हुए आ रहे हैं सवाल को, अब ये कॉमा के साथ अलग चलेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, y के ऊपर स्क्वायर है 9 and 25, टेकिंग यहाँ लिखा हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है ना, मैं इसी का इस्तेमाल कर लूंगा, आप लिख लीजिएगा।
टाइम भी बचाना है, वीडियो की लेंथ भी बड़ी होती जा रही है। 9 / 25, यहाँ पर भी रूट लिया, यहाँ पर भी रूट लिया, रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया। वाई इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, रूट से जो बाहर आता है प्लस माइनस में। तो यहाँ पर x कॉमा y की जो वैल्यू आपने फाइंड की है प्लस माइनस 4/3 कॉमा प्लस माइनस 3/5। अरे मैं इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये आंसर सही है। 1.5 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, और आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो ये सवाल है भाई, ये सवाल देख लें, ये सवाल अगर आपको नजर आ रहा हो, ये सवाल है, ठीक है। आंसर भी हमारा मैच हो गया पर हमने बिल्कुल ठीक किया है, तो हम इसको इरेज करते हैं जल्दी से। और आपका अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा ध्यान हट रहा है इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया, ये क्या कर दिया। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि है वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 21, और यहाँ पर क्या था 9 / 5 यही था। चले ये नहीं भी होगा तो कुछ भी होगा, आप देख लीजिएगा, मैथड आना चाहिए भाई, सवाल का रटा थोड़ी लगाना है, मैथड आना चाहिए। अगर आप लोगों ने एक मैथड सीख लिया तो आप 10 सवाल उस तरह के खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपने मैथड पे फोकस करना है, ना कि सिर्फ एक सवाल को देख लिया, स्टेप देख लिया और सवाल को, अगर आपको वही वैल्यूज आएंगी या वही सॉल्व करेंगे, अगर कोई और वैल्यूज आ गई तो आपको मसला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने वही करना है कि ये बराबर है रियल नंबर के बराबर है, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 121 के इक्वल्स, और यहाँ पे एक्स 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 9/5 आयोटा से आयोटा पहली फुर्सत में भी काट देंगे हम, यहाँ पर रूट ले लेंगे। आप लिखना जरूर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ओके आप लिखिएगा जरूर। तो हम दोनों साइड पे रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल। मैंने आपको बताया अगर आप एलसीएम करना चाहें एलसीएम कर सकते हैं, ओके अगर आप एलसीएम करना चाहें तो एलसीएम कर सकते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहें तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर आएगा 11। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे याद है 15 तक, मुझे आगे भी याद है 15 तक जो है मुझे, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप याद करेंगे तो आपका फायदा होगा। 15 के अंडर ही आपके स्क्वायर्स आ सकते हैं। 121 11 का स्क्वायर है, कट हो गया, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, रूट का बटन प्रेस करेंगे उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स 3 और 9 और 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक्स जो हमारा है वो सेपरेट नहीं है, एक्स एक्स के साथ कौन है, एक्स के साथ 3 है, 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। हमने ये सीखा है शुरू से स्टार्टिंग से, जो इक्वल टू के एक साइड पे डिवाइड करता है नंबर वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करता है, हमने ये सीखा है ना बच्चों। माइनस प्लस माइनस 9 × 3 = 27/5, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई रिप्रेजेंट करने के लिए। x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है -27/5 और आपके पास 11। यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हैं, ये आपका आंसर है, ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें इट्स एक्सपेक्ट सॉरी एक्सेप्ट टू यू। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हमने कर लिया, लास्ट पार्ट है, इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे जो है √5 3x 3 √2 y iota = 6 √3 √2 + 2 √2 iota / 9, ठीक है। यहाँ से मैं रेस करूँगा, खूबसूरत सा करने की कोशिश करेंगे इसको, क्या समझ में आ जाए, एक लाइन भी लगा देंगे हम। देखें रियल नंबर के बराबर हो गया, इमेजनरी नंबर के बराबर हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, ओके एक साइड पे हम सोल्व करेंगे एक्स के लिए, एक साइड पे हम एक्स के लिए वर्किंग करेंगे, एक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी 6 √3 और 2, और एक साइड पे हम वाई के लिए सोल्व करेंगे, ये आपके पास -3y iota बराबर हो जाएगा 2 √2 iota / 9। पहली फुर्सत में आयोटा से आयोटा कटेगा, यहाँ पर 3 डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है डिवाइड, वहां जाएगा मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा ना बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में
यहाँ पर अंडर रूट फाइव एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। पहले देखें, सिक्स थ्री जा 18, आपने 18 लिख दिया, 18 अंडर रूट थ्री। और यहाँ पर जो अंडर रूट टू डिवाइड में मौजूद है पहले से, और ये अंडर रूट फाइव मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आएगा टू के पास, होगा डिवाइड, लेकिन क्योंकि पहले से मौजूद है डिवाइड में, तो वो जो पहले से मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 18 दोनों को एक ही रूट में हम लिखेंगे, ओके, एक ही रूट में लिखने के बाद जब हम दोनों के ऊपर रूट है और उसको एक ही रूट में लिखेंगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो आप इस तरह आंसर कर देंगे। अच्छा, याद रहे हमें किताब के आंसर को भी फॉलो करना है। अब जाहिर है बुक्स में भी काफ़ी कुछ चेंजिंग्स थी, कुछ आंसर्स में मसला था, कुछ क्वेश्चंस में मसला था, तो आंसर यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है। कई बुक्स में आंसर मैंने देखा है कि ये आ रहा है, बट हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि अगर डिवाइड में अंडर रूट आ जाए तो उस अंडर रूट को आप ख़त्म करें। ख़त्म करने के लिए आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, कॉन्जुगेट लेने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। फिर किसी वीडियो में आपको हम डिवाइड में से रूट को कैसे ख़त्म किया जाता है उस पर भी काम करके दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आप यहाँ तक आंसर इसको रखें, रख सकते हैं। अगर आपको आंसर चाहिए इससे आगे का, आपके पास जो किताब है उसमें जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है इस आंसर से, तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं वो आंसर आपको ला कर दिखाऊंगा। यहाँ पर आपके पास ये डिवाइड कर रहा है, पहले मैं इस सवाल को विदाउट आयोटा शो करवा देता हूँ आपको। ये डिवाइड कर रहा है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर आके अंडर रूट टू डिवाइड में 9 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी मेरी गलत थी, y को सेपरेट करना है, माइनस का 3 जो है, अच्छा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, 3 को बाद में ले जाता हूँ, पहले नीचे लिख देता हूँ, माइनस का 3 जो है डिवाइड होगा, ये मैंने नीचे लिया है, ऊपर वाला मैंने अभी काम नहीं किया। ये नहीं, काम क्या करना है कि आपने दोनों के ऊपर रूट और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है, 2 2 4। देखें आपने ऐसे करना है, दोनों को लिख दिया, फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 2 4। आप ये जानते हैं कि 4 का जब आप कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे या एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 आएगा, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, तो आपने करना ये है कि यहाँ पर 2 स्क्वायर कर दें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस, या आपके पास हो जाएगा माइनस का 27, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं रूट से, जस्ट रूट का बटन प्रेस करें 4 दबाए आंसर आ जाएगा, या फिर एलसीएम करके स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 4 / 27, ये आपके पास दो आंसर है। यहाँ तक आपका चैप्टर हुआ, चैप्टर तो नहीं, एक्सरसाइज भी खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।